हेलो गाइस, क्या आप भी यूज करते हैं कैनवासर और आप भी परेशान हैं कि कैसे वाटर मार्क को रिमूव करें, क्योंकि वाटर मार्क जो है वीडियो की क्वालिटी जो है वीडियो की खूबसूरती जो है उसको खराब कर देता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं मेरी वीडियो को, जो अभी देख रहे हैं, ये भी वीडियो जो है मैं कैन मास्टर से एडिट किया हूँ, जहाँ पे देख सकते हैं वाटर मार्क नहीं है और इसमें हमने पैसे भी पे नहीं किए, बल्कि फ्री वर्जन हम यूज कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते फ्री वर्जन को यूज करना और आप भी चाहते वाटर मार्क को हटाना, तो इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करिए जो हम आपको बताएंगे, और जिस तरह से कहेंगे करने के लिए उस तरीके से करिए, आपका भी वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाटर मार्क को रिमूव करने के लिए कैन मास्टर में जाएं और उस पे ओके करेंगे, जो लोगो है उस पे ओके करेंगे, तो आपसे जो पैसे मांगे जाएंगे कि आप जो वाटर मार्क को रिमूव करने के लिए 1 वीक के लिए 200 से ऊपर जो है आप पैसे दीजिए, या फिर जो है 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए जो है 2000 से अब जो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरीके से इसको हटा सकते हैं और इसके लिए क्या करना होगा। डायरेक्टली चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दे दीजिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो अब देरी न करते हुए चलिए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपके पास जो भी ब्राउजर हो वो ओपन कर लीजिए। मैं लेकिन रिकमेंड करूंगा आपको कि आप क्रोम ब्राउजर ओपन करिए और वहां पे आप सर्च करिए, जहां पे आपको सर्च करने का ऑप्शन आएगा वहां पर सर्च करिए कैन मास्टर मोड digitbin.com, canmastermode digitbin.com, ये डाउनलोड सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे आपको तो एक अलग से पेज खुल के आ जाएगी, जहाँ पे एक फर्स्ट जो एक लिंक जो अपियर होगी सबसे फर्स्ट ही में, वहां पे लिखा होगा डाउनलोड कैन मास्टर प्रो फुल्ली अनलॉक्ड एपीके मोड 2019। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज और खोल देगा, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे आपको लिखा होगा, थोड़ा सा जाएंगे लिखा होगा गो टू डाउनलोड पेज, जैसे आप उस पर ओके करेंगे रेड कलर में, जैसे आप उस पर ओके करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज खोल देगा, वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा खुल डाउनलोड कैन मास्टर मोड लेटेस्ट, वहां पे आ जाएगा डाउनलोड कैन मास्टर मोड लेटेस्ट। आपको क्या करना है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे परमिशन मांगा जाएगा कि डाउनलोड किया जाए या न किया जाए, तो आप वहां ओके कर दीजिए, आपको डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके बाद करना क्या होगा, डायरेक्टली अब यहां से अभी रन न करिए, आपको डायरेक्टली कार्ड के आ जाइए, जिससे कार्ड के बाहर आएंगे तो फिर अपने जो मोबाइल में है, जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा है, उसको सिंपली से डिलीट कर देना, अनइंस्टॉल कर देनी है। जैसे अनइंस्टॉल हो जाए, फिनिश हो जाए, तो उसके बाद जो है फिर जो है वही जो क्रोम ब्राउजर था उसी में जाना है, और वहां पे जो मतलब डाउनलोडिंग सेटिंग जहां पे होती है, जहां पे डाउनलोड जो एप्लीकेशन जो होती है, जो भी चीज डाउनलोड करते हैं वहां पे जो स्टोर हो जाती है, वहां पे जाना है, फिर उसके बाद जो है उस एप्लीकेशन को रन कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे वहां से डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल डाउनलोड तो हो ही चुका है, इंस्टॉल हो जाएगा तो छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे फिर ओपन करिए उस एप्लीकेशन को। जैसे आप ओपन करेंगे उस एप्लीकेशन को तो फिर आपको वहां पे ऑप्शन आ जाएगा के रन करने का, रन उन्होंने हो जाएगा, खोलेंगे तो वहां पे मे भी हो सकता है एनालिसिस का है, जो हार्डवेयरिंग जो होती है, हार्डवेयर की जो एनालिसिस होती है, ताकि आपकी जो भी प्रॉपर जो चीजें हैं, जो भी एप्लीकेशन जो भी चीज वहां पे पुट करेंगे तो आपका प्रॉपर वर्क करे, तो उस पर एनालिसिस जो है होती है हार्डवेयर की वो लेगा, तो आपको सिंपली सा कर देना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा रन हो रहा है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद जैसे आपका रन हो जाए तो सिंपली से आपका जो भी प्रोजेक्ट जो आपने काम किया था इससे पहले, वो भी प्रोजेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद जो आपको न्यू क्रिएट करने के लिए आ जाएगा, तो सिंपली से जाके फिर से न्यू प्रोजेक्ट पर जाकर ओके करेंगे तो आप जाके जैसे वीडियो अपलोड करेंगे तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं जैसे कि वाटर मार्क रिमूव हो चुका है, यहाँ पे वाटर मार्क नहीं है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से जिस तरह हमने बताया, इस तरह से फॉलो करिए और उसके बाद जो है आप आसानी के साथ जो है अपने वाटर मार्क रिमूव कर सकते हैं, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इतना प्रोसेस हमने बताया है कि डाउनलोडिंग का, तो आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी कि सिंपल से डायरेक्ट जो है डाउनलोड का जो ऑप्शन है वहां पर डायरेक्ट आपको पहुंचा दे, उसकी लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको इतना झेलना ना पड़े। तो आप इस तरीके से जाके कर लीजिए, आप आसानी से जाके आप भी वाटर मार्क खत्म करिए और आप भी इंजॉय करिए और आप भी मस्ती करिए, और आप जो है अपने यूट्यूब वीडियो के लिए चाहे कहीं के लिए भी आप जो विदाउट वाटर मार्क के जो अच्छी वीडियो बनाई है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बस आज हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।